तो नमस्कार डूट, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप लोग किस टाइप से कैसे जो अपना YouTube चैनल आपने अभी बनाया है नया, अगर आप लोगों ने अभी YouTube चैनल बनाया होगा तो आप उसको कैसे मतलब वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आप लोग नया YouTube चैनल बनाते हो तो आप लोग को पता है कि आप लोग वीडियो तो आसानी से डाल सकते हो, बट अगर आप लोग जाते हो वीडियो डालने के बाद उसका थंबनेल चेंज करने तो उसमें थोड़ा सा लोचा महसूस होता है कि मतलब वहाँ पे थंबनेल जो कस्टम थंबनेल होता है उसमें आप लोग वो नहीं लगा सकते जो उसमें इन बिल्ड थंबनेल देता है, वहीं आप लोग अपनी वीडियो वाला थंबनेल लगा सकते हो। तो ऐसे में हमें क्या करना होता है, हमें अपने YouTube चैनल को जो कि मतलब क्या करना होता है, वेरीफाई करना होता है अपना मोबाइल नंबर डाल के। तो चलिए इस वीडियो हम लोग देख लेते हैं हम लोग कैसे वेरीफाई कर सकते हैं अपने YouTube चैनल को। तो हम लोग अपने YouTube अकाउंट पे चलते हैं। तो यहाँ पे हमें अपना YouTube अकाउंट वेरिफिकेशन करने के लिए यहाँ पे आपको अपना YouTube का डैशबोर्ड ओपन कर लेना है किसी भी ब्राउजर में। यहाँ पे ओपन करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कुछ इस टाइप से, अगर आप फोन में यूज करें तो आपको कुछ इस टाइप से ऑप्शन देखने को मिलेगा, बट अगर आप डेस्कटॉप में करोगे तो कुछ अलग टाइप से यही ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको नीचे आओगे तो यहाँ पे एक आपको सेटिंग जैसा आइकन बना दिखेगा, यहाँ पे क्लिक करना होता है। यहाँ पे आपने जैसे ही क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा चैनल का, यहाँ पे आपको चैनल पे क्लिक करना होता है। यहाँ पे आपने चैनल पे क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे आपको फ्यूचर एलिजिबिलिटी दिखेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना होता है। यहाँ पे आप जल्दी से क्लिक करिए, उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा एडवांस फीचर, यहाँ पे जो आपका तीसरा और दूसरा ऑप्शन दिखा है। तो यहाँ पे आपको पहले वाले दूसरे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होता है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद वेरिफिकेशन फोन नंबर यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होता है। आपने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है कंट्री कोड के साथ, यहाँ पे जिसे यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर सिंपली डाल लेता हूँ, सिक्योरिटी पर्पस की वजह से ब्लर कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे गेट कोड पे क्लिक करना होता है। आपने इस पर जैसे मतलब मोबाइल नंबर डालने के बाद गेट कोड पे क्लिक करोगे, यहाँ पे 2 अंक का कोड आएगा, यहाँ पे आपको 6 अंक का कोड आएगा। यहाँ पे जैसे आप लोग देखते हो यहाँ पे आपको सबमिट करना होता है 6 अंक का कोड, उसके बाद सबमिट पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका अकाउंट वेरिफिकेशन हो जाएगा।